हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फूड बहार चैनल। आज हम बनाएंगे उड़द गोश्त। ये एक बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है और ये यूपी की बहुत ही फेमस डिश है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी घर में फंक्शन होता है तो ये डिश ज़रूर बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार उड़द तैयार होता है गोश्त के साथ। उड़द गोश्त बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है आधा किलो गोश्त, जिसको हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था 3-4 पानी से। और इसी के साथ हमने लिए हैं 250 ग्राम उड़द, इनको भी हमने अच्छे से धो लिया था और 2 घंटे इनको हमने भिगो लिया था। गोश्त को हमने कुकर में डाल लिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें एक प्याज कटी हुई मोटी मोटी, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम डालेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें 4 से 5 तेज़पत्ता। और इन सब चीज़ों को हम चलाएंगे अच्छे से, और चलाने के बाद इसको हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। हमें गोश्त को बॉईल आने तक पकाना है। बॉईल आने के बाद इसमें हम 4 से 5 सीटी लगा देंगे। देखिए 4 से 5 इसमें सीटियां आ चुकी हैं। इसको हम अब खोल कर देख लेंगे कि गोश्त गला है या नहीं गला है। अगर गोश्त नहीं गला है तो इसमें हम दोबारा सीटियां लगा देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से गोश्त बनकर तैयार हो चुका है उड़द के लिए, और गोश्त भी गल चुका है। इसको हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। गोश्त जो है वो काफ़ी अच्छे से गल चुका है, इसलिए हम पहले गोश्त कुकर से निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें उड़द जो है वो पकने के लिए रखेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें इस अंदाज़े से डालना है जो उड़द हैं वो अच्छे से गल जाए, और इसको अच्छे से चला देंगे। और चलाने के बाद इसमें से जो गोश्त है उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि गोश्त अच्छे से गल चुका है। और इसमें से तेज़पत्ता निकाल कर हम दोबारा कुकर में ही डाल देंगे। उड़द को हमें इतना पकाना है जब तक वो अच्छे से गल ना जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे उड़द। उड़द डालने के बाद हमें इसमें 6 से 7 सीटियाँ लगानी है, ताकि उड़द जो है वो अच्छे से गल जाए। उड़द को चलाकर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। देखिए उड़द में 6 से 7 सीटियाँ आ चुकी हैं, इसको हम खोल कर देख लेंगे। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए उड़द जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, इनको हम चम्मच से अच्छे से और घोट लेंगे। अब जो गोश्त हमने निकाला था वो भी इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। उड़द जो है अभी काफ़ी गाढ़े हैं, इसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। के बाद इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए फिर से चूल्हे पर रख देंगे। यहाँ हमें उड़द गोश्त में नमक कम लगा है, इसलिए हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं। तो आप भी जब भी उड़द पकाएं तो उसमें नमक ज़रूर टेस्ट करें। और हमने इसमें डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखिए उड़द गोश्त में कितने अच्छे से बॉईल आने लगा है। तो उड़द गोश्त जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको हम एक प्लेट में अब सर्व करेंगे। अगर आपने कभी उड़द गोश्त की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो अब ज़रूर ट्राई करें। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दें हमें कमेंट बॉक्स में। इसको हमने गार्निश किया है कटी हुई हरी मिर्चों से, ऊपर से हमने डाला है इसमें मक्खन। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।